गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8, ऊ की मात्रा। क्या? ऊ की मात्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम ऊ की मात्रा के दो, तीन व चार वर्णों वाले शब्द में आपको लिखना वह पढ़ना बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको देखना होगा कि सबसे पहले आपको मैंने बता रही हूं मैं, ठीक है, प्लस ऊ। तो आप इस ऊ की जगह किसका यूज करेंगे बेटा? इसकी मात्रा का करेंगे, है ना। हम, मैं प्लस ये इसकी मात्रा। अब देखिए क्या बना, मू। क्या बना? मू, है ना। जैसे कि नेक्स्ट, ख प्लस उ। तो देखिए आप उ की जगह क्या लगाएंगे बताइए? मात्रा लगाएंगे, मात्रा, मात्रा लगाएंगे हम, है ना। क्या बनेगा? है ना। तो हमने क्या किया था इससे पहले, इन सभी व्यंजनों पर जो हमारे कैसे लेकर है तक के व्यंजन थे उस पे मात्रा लगाकर हमने पढ़ा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ये मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, व्यंजन के नीचे लगाते हैं, और जो हमारा रह व्यंजन होता है उस पर ये मात्रा उसकी पीठ पर लगाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ऊ की मात्रा के शब्द बता रही हूँ। अब बताइए ये क्या है, क्या बोलते हैं हम इसे? धू। क्या बोलते हैं? धू, सॉरी ध बोलते हैं। ध पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम? धू, धू। और इसमें ल जोड़ा, कौन सा शब्द बना हमारा? धूल। क्या बोलेंगे हम? धूल। नेक्स्ट है ठीक है, सै पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? ऊ। और फिर मैंने ले लिखा, क्या बना? फुल, है ना। अब देखिए सै पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? शू, शू। ठीक है ना। अब हम, मैंने क्या राइट किया है? ल, क्या बोलेंगे हम इसे? शूल। भ पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? भू। ल, क्या बना? भूल। अब देखिए मैं पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? मू। क्या बोलेंगे? मू। बेटा मैं है ये, मैं पर ऊ की मात्रा लगेगी तो हम इसे मू बोलेंगे ना? यस मैम। फिर पू कौन बोल रहा है? मू। मू। ले, क्या बना? मूल, है ना। अब देखिए हम इसे कैसे रीड करेंगे, दू ले, दू धूल, फू ले, फूल, फूल, शू ले, शूल, शू, भू ले, भ,
भूल मूल मूल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बेपल क्या है, आ की मात्रा है। तो स्टूडेंट्स आपको आ की मात्रा तो अच्छे से रीड करनी आती है, क्या बना ये बा, और ले पर उ की मात्रा लगी तो क्या बोलेंगे हम इसे लू, क्या बोलेंगे पालू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट भय पर आ की मात्रा लगी क्या बोलेंगे हम इसे भा, और ले पर उ की मात्रा लगी क्या बोलेंगे लू भालू। तो देखिए आपको स्टूडेंट्स अच्छे से पहले व्यंजन को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये है बालू और ये है भालू, है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं तो आप मिस्टेक ना करें, आप ध्यान रखें। ये है बा, इसको हम बोलते हैं बा, और इसको बोलते हैं भा। तो बालू भालू। ओके नेक्स्ट देखिए आ, और डैपर क्या है ऊ की मात्रा है, क्या बोलेंगे हम इसे आड़ू। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आ, और मैं ले पर ऊ की मात्रा लगा रही हूँ, क्या बोलेंगे हम इसे लू आलू, क्या बना आलू, आलू। नेक्स्ट है का, क्या है स्टूडेंट्स का, और ले पर क्या कर रही हूँ मैं ऊ की मात्रा लगाई है मैंने, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे लू कालू, क्या बोलेंगे कालू। तो देखिए बा लू बालू भा लू भालू आ डू आड़ू आ लू आलू आलू का लू कालू। ओके अब देखिए मैं पर ऊ की मात्रा लगी क्या बोलेंगे हम मू, क्या बोलेंगे मू, और डा मुड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे मुड़ा। नेक्स्ट है बे पर ऊ की मात्रा लगी क्या बोलेंगे हम इसे बू, क्या बोलेंगे बू। अब है डा बूढ़ा, क्या बोलेंगे बूढ़ा। नेक्स्ट है क पर ऊ की मात्रा लगी क्या बोलेंगे हम इसे ऊ, ऊ। देखिए आगे मैंने राइट किया है डा कूड़ा। ओके नेक्स्ट है पेपर ऊ की मात्रा लगी क्या बोलेंगे हम इसे पू, है ना, क्या बोलेंगे पू। डा कूड़ा, क्या बोलेंगे कूड़ा। नेक्स्ट है जयपुर की मात्रा लगी क्या बोलेंगे हम इसे जू, क्या बोलेंगे जू। डा जूड़ा। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है ऊ की मात्रा के दो वर्ण वाले शब्द हैं। अब देखिए मैं आपको तीन वर्ण वाले शब्द बताती हूँ।
चै पर आ की मात्रा लगी चा और है ले पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? लू, कचालू। नेक्स्ट है पेपर आ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? पा, क्या बोलेंगे? पा। ले और ते पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे? पालतू, है ना, क्या बोलेंगे? पालतू। नेक्स्ट है त, है ना, क्या राइट किया है? त रा, क्या है? रा। और जयपुर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? जू, तराजू, है ना। नेक्स्ट ले, क्या राइट किया है मैंने? ले, ले। ता, यस। और कैपर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? क्या बना? ले डाकू, लड़ाकू। तो देखिए ये क्या है, ओ के मात्रा के तीन वर्ण वाले शब्द है। क्या बोलते हैं हम इसे? कचालू, कचालू। पा ले तू, पालू। ते रा जू, तराजू। ले दा कू, लड़ाकू। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ ऊ की मात्रा के चार वर्ण वाले शब्द कि हम चार वर्ण वाले शब्द कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ राइट किया है श, और श पर जब मैं ऊ की मात्रा लगाती हूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे? शू, शू। रे, क्या बना? वी, रे, क्या बना? कैसे पढ़ेंगे हम इसे? शूरवीर, है ना, क्या बोलेंगे? शूरवीर। अब देखिए नेक्स्ट है फैपर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? फू, क्या बोलेंगे? फू। ले वा ला, देखिए कैसे रीड करेंगे? फूल वाला, फूल वाला। ओके, नेक्स्ट है सैपर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? सू, क्या बोलेंगे? वे, ता, से, है ना, क्या कैसे रीड करेंगे? सू रे दा से, सूरदास, सूरदास, सूरदास। अब देखिए जैसे कि स्टूडेंट्स जय, क्या है ये? जय, जय। और स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे रैपर ऊ की मात्रा, रैपर ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? रू। इतना मैं ये पूछ रही हूँ कि रैपर है, रैपर ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी? मैंने आपको बताया था ना, वो हमारा रे व्यंजन है, उस पर ऊ की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? फीट पे।
उसकी पीठ पे लगाते हैं, है ना। कहाँ लगाते हैं? उसकी पीठ पे। तो देखिए अब मैं व की पीठ पर उ की मात्रा लगाइए, क्या बना? रू। क्या बना? रू। क्या शब्द बना हमारा? जय रू र त। जरूरत जरूरत। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सभी शब्द रीड करके बता रही हूँ। देखिए दू, क्या बोलेंगे हम ध पर जब ऊ की मात्रा लगती है? दू ल। दूल। फ पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे हम इसे? फू ल। फूल। नेक्स्ट है श पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे? शू ल। शूल। देखिए भ पर ऊ की मात्रा लगी, क्या बोला? क्या बोलेंगे हम इसे? भू ल। भूल। मैं पर ऊ की मात्रा लगी, भूल ल। मूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसे कैसे पढ़ना है? आपको इसे रीड करना है भूल फूल शूल भूल मूल। ठीक है, सभी व्यंजन पर मैंने आपको ऊ की मात्रा लगाकर बताई थी। अब देखिए नेक्स्ट रो, बा बालू। नेक्स्ट है भालू। भालू, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तो है बालू और ये है भालू। नेक्स्ट है आडू। आडू। आलू। आलू। कालू। कालू। पटक देना मुड़ी ने। मुड़ा। मुड़ा। बू डा। बुड़ा। पू उड़ा। पुड़ा। पू उड़ा। पुड़ा। जू उड़ा। जुड़ा। नेक्स्ट है, ये तो क्या थे स्टूडेंट्स? दो वर्ण वाले शब्द थे, है ना। अब आप देखिए तीन वर्ण वाले शब्द। कचालू। कचालू। ओके। पालतू। पालतू। तराजू। तराजू। लड़ाकू। लड़ाकू, है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? लड़ाकू। तीन वर्ण वाले शब्द है। अब देखिए चार वर्ण वाले शब्द। शू र वी र। शूर वीर। कैसे रीड करेंगे? शूर। ओके। शूरवी। फूल वाला। फूल वाला। ओके। नेक्स्ट है सू र दा स। सूरदास, है ना। नेक्स्ट है जरूरत। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे हैं ऊ की मात्रा के दो तीन व चार वर्ण वाले शब्द? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हेमंत आपको? यस मैम। ठीक है, देखिए मैं आपसे एक एक से ये शब्द पूछती हूँ। तो सानिध्य आप बताइए। सानिध्य रीड कीजिए। Thank you.
जाने दे। रुको बताइए, मैंने आपको आपसे पूछ रही हूँ कि आप इसे क्या पूछाकू। हाँ वेरी गुड, क्या बोलेंगे आप इसे? चाकू है ना। नेक्स्ट है हेमंत, आपको बताना है। हेमंत गिव मी आंसर, इसे रीड कीजिए। बेटा आपको ये उ की मात्रा का शब्द रीड करके बताना है मुझे। वेरी गुड, मूली। ठीक है नेक्स्ट है शानू, आप बताइए। झूला। झूला है ना। बताइए सानी पे। सूरज। वेरी गुड, हेमंत आप बताइए। बालू। वेरी गुड, शानू आप बताइए। तरबूज। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आप सभी को उ की मात्रा के शब्द पढ़ने आ गए, बताइए आपको इन शब्दों में कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया? हेमंत आपको नाम। ओके नाम।